वो हमारी गाड़ी वहाँ पर देखिए वो फंस चुकी है, उससे ऊपर अब ये गाड़ी नहीं आ पा रही है। भाई आपको ट्रैवलर है, हम लोग तो दिमाग में कीड़ा काटता रहता है कि आगे भी देखना चाहिए, इसलिए मैं भी अब नीचे ही जाता हूँ। यहाँ पे हमारी गाड़ी ऊपर नहीं आ पाई, फंस चुकी है नीचे। तो क्या हाल है भाई लोग, दिस इज़ मुदित एंड यू आर वॉचिंग एम टू ट्रेवलर्स। आज बहुत ही स्पेशल दिन है, आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, तो आज हमने कुछ घूमने का प्लान बनाया है। यहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं वादी शीज़, जो कि शारजा एरिया में आता है, दुबई से 100 odd kilometers है। यहाँ पर एक स्वीट वाटर लेक है, अभी तक इतना ही मेरे को पता लगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज में से है UAE की। और आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है, गांधी जयंती है, तो हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ़ यू। टाइम मिलता है तो शाम को हम लोग फिर बुर्ज खलीफा पे लाइट शो है गांधी जयंती का, वो भी दिखाने का ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं, देर किस बात की है। पीछे देखिए वो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, वो ओमान में। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे व्यूज, देखिए बिल्कुल इंडिया जैसा हमने माहौल ढूंढ लिया है UAE के अंदर, पूरा मजा लिया जा रहा है खोरफा खान का। यहाँ की खास बात यह है कि यार यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे होते हैं, देखिए रोड्स देखिए यहाँ के। अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ आपको, इनको देखिए खान साहब, ये हमारी लास्ट वीडियो में भी थे, हॉन्टेड वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इनको। एक्चुअली इनको गली गली का ज्ञान है UAE का, इसलिए हम इनको अपने साथ रखते हैं। ये हमारे बहुत ही खास मित्र हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं खोरफा खान, देखिए आपको कुछ बताएंगे खोरफा खान के बारे में खान साहब हमारे। और पीछे वो जो खड़ी हुई हैं ये हमारी दीदी जी हैं, ये स्पॉन्सर कर रही हैं हमारी ट्रिप को आज। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है स्पॉन्सरशिप देने के बाद। हाय फ्रेंड्स, अगेन नाइस टू सी यू ऑल। आज मुदित ने फिर एक और नया रास्ता निकाला है, हम लोग शारजा से खोरफा खान वादी शीज जा रहे हैं। तो अभी आई थिंक 97 किलोमीटर था जब हम लोग निकले थे, और अब थोड़ा सा ही बाकी है, मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर बाकी है। तो यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि लोकेशन काफी लोकेशन देखिए पीछे, मजा आ जाएगा, बिल्कुल हिमाचल याद आ जाएगा आपको। फोटोज लेने में मजा काफी आ रही थी, तो बस वादी अल शीज़ जाके आपको और व्यूज दिखाएंगे, आगे का आपको दिखाते हैं। हम लोग अभी बस पहुंचने ही वाले हैं, फुजैरा रोड ये है, खोरफा खान का रोड है ये, देखिए कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए हैं, और कोविड का यहाँ पे अभी कोई ऐसा सीन नहीं है, हालांकि मास्क तो पहनना ही पड़ रहा है। अभी वीडियो बनाने के लिए मैं मास्क उतारा था, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं मास्क अपना साथ लेके आया हूँ, ये रहा मेरा मास्क। तो चलते हैं फिर, वो कटे हुए हैं ये तो यहाँ तक के दिन। कान बंद हो रहे हैं ना, हल्के ऐसी ब्रेक लगाते हुए ही लेके चलो, स्पीड तो देने का मतलब ही। पहले तो गाड़ी पार्क कर दो कहीं, अब मैं पैदल घूमूंगी।
सारे बंदे वो वाला खुला था इतना। आ चुके हैं वादी शीज और ये थोड़ा उससे आगे ही निकल के आ गए। आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज, देखिए एकदम अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस आपको लेके आ रहे हैं हम यूएई से। पीछे सब देख रहे हैं, पूरा फुजैरा का एरिया है ये, बहुत ही अच्छी जगह है। वो हमारी गाड़ी वहाँ पर देखिए वो फंस चुकी है, उससे ऊपर अब ये गाड़ी नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं भी अब नीचे ही जाता हूँ। जो मेन प्लेस है ना वादी शीश, उसमें एक्चुअली एक वाटरफॉल है, तो उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने हम लोग आए थे। बट आगे भी रोड जा रहा था तो पता ही है आपको, ट्रैवलर है हम लोग तो दिमाग में कीड़ा काटता रहता है कि आगे भी देखना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा आगे आए थे। देखिए मैं देख, यहाँ पे हमारी गाड़ी ऊपर नहीं आ पाई, फंस चुकी है नीचे। एक्चुअली इस जगह पे जब आना चाहिए ना, वो पे 4x4 लाना ही चाहिए। सलून कार्स यहाँ पे नहीं आ सकता है, सक्सेस नहीं है यहाँ पे। चलिए फिर मैं आगे गाड़ी को लेके जाता हूँ वादी शीश की तरफ। अभी ऐसे अंदर भी नहीं जा सकते क्या? नहीं, गाड़ी में बैठ जाओ भाई। पहुंच चुके हैं खुरफकान। यार कोविड के चलते सीन में इतना चेंज आता जाता है। हम लोग पहुंचे थे हम लोग पहुंचे थे वादल शीबा, बट वहां पे कोविड की वजह से बंद कर रखा था, तो हम लोग वहां से रुकने भी नहीं दिया हमको, इसलिए वहां वीडियो भी नहीं बना पाया। मैं गाड़ी में ही बैठ के मैं वहां से आगे निकल गया था। आगे अभी रास्ते में अब हम दुबई की ओर जा रहे हैं, और रास्ते में पड़ता है छोटा सा एक सिटी खुरफकान, बहुत ही सुंदर जगह है ये। आपको व्यूज दिखाता हूँ अभी नेक्स्ट बी रोल में। चुके हैं घर पर, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी जगह थी वादी शीश। बट यार पहुंच ही नहीं पाए वहाँ तक, किस्मत देखिए ये कोरोना ने ऐसी लगाई हुई है। पहुंचे थे वहाँ तक पर गार्ड ने बताया कि अभी अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है, तो वहीं से लौट आए हैं और कुछ नहीं, वादियाँ देख के लौट आए हैं। वादी तो देख ली, शीश रह ही गया। चलिए नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी आज बुर्ज भी नहीं जा पाए क्योंकि बच चुके हैं ऑलरेडी 11 और कल ऑफिस भी है, तो इतनी ट्रैवलिंग काफ़ी है आज के लिए। बाकी बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी ट्रैवल करना स्टार्ट करिए यार, स्टार्ट ट्रैवलिंग, बट फॉलो द गाइडलाइंस, हाँ स्टेट गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। बाकी अपडेट्स हम आपको अपने इंस्टा पेज पे देते ही रहते हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बाकी गूगल तो है ही अपना जिंदाबाद, वहाँ से भी देख सकते हैं, बट स्टार्ट ट्रैवलिंग। अब कितना कोरोना हो चुका भाई, मास्क लगाओ और निकल पड़ो। ऐसे ही अगली ट्रिप में कहीं मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग
and subscribe, like and share the videos. Keep watching M2 Travelers. Peace out.